दोस्तों, खासकर सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन से जो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग ऑयल होता है उसका सिक्रेशन काफ़ी कम हो जाता है, और ऐसे में हमारी स्किन को ऊपर से मॉइस्चराइज करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि लंबे समय तक अगर हमारी स्किन ड्राई रहती है तो इसके वजह से स्किन डैमेजेस, स्किन डलनेस और पिगमेंटेशन और जो झाइयों छाइयों की प्रॉब्लम होती है या ब्लेमिशेज की प्रॉब्लम होती है उसके होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में दोस्तों, हमें अपने स्किन ड्राइनेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग के लिए किसी बेस्ट लोशन या क्रीम का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताकि हमारी स्किन मॉइस्चराइज बने रहे और स्किन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम से हम बचे रहें। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे क्रीम्स और बॉडी लोशन उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम या बॉडी लोशन का इस्तेमाल करना जिसमें किसी मिनरल ऑयल या SLS या जो पैराबेंस होते हैं या जो प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही आयुर्वेदिक मेडिसिनल मॉइस्चराइजर रूपमंत्रा के एलोवेरा बॉडी लोशन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जिसमें किसी भी तरह के हार्मफुल प्रिजर्वेटिव जैसे कि पैराबेन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सल्फेट या सिलिकॉन या जो SLS होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है, न ही इसमें मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। ये जो रूपमंत्रा का बॉडी लोशन है इसमें मुख्य रूप से एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इसमें ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल का इस्तेमाल किया गया है जो हमारी स्किन को सुरक्षित तरीके से प्राकृतिक तरीके से मॉइस्चराइज करती हैं और उसको हेल्दी और ग्लोइंग भी बनाती हैं। दोस्तों, इस रूपमंत्रा के एलोवेरा बॉडी लोशन का इस्तेमाल मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स लगभग 2 सप्ताह से कर रहे हैं। जहां तक हमारे अनुभव की बात है तो ये जो बॉडी लोशन है हमारे स्किन को लंबे समय तक मॉइस्चराइज बनाए रखती है, उसको सॉफ्ट बनाए रखती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके वजह से हमारी स्किन में किसी तरह की कोई चिपचिपाहट नहीं आती है और लंबे समय तक ये हमारी स्किन को हाइड्रेट बनाए रखती है और उसको सॉफ्ट और सफल बनाए रखती है। दोस्तों, मैं इस रूपमंत्रा के एलोवेरा बॉडी लोशन का इस्तेमाल चेहरे, गर्दन और हाथों को मॉइस्चराइज करने के लिए करता हूं, लेकिन आप इसको पूरे बॉडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे बॉडी के स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां तक इसको यूज करने के तरीके की बात है तो आपको नॉर्मली अपने साफ स्किन पे इसको अप्लाई कर लेना है, थोड़ी देर मसाज करना है, ये इजिली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट और सफल बना देता है। अब आइए मैं आपको इसकी पैकेजिंग और प्राइसिंग के बारे में बता देता हूं। तो ये जो प्रोडक्ट है हमें 100 ml प्लस 15 ml एक्स्ट्रा के साथ उपलब्ध कराया जाता है इस आकर्षक पैकेजिंग में, जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जहां तक इसके MRP की बात है तो इसकी MRP 87 rupees की होती है, और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या कॉस्मेटिक स्टोर या जो जनरल स्टोर होते हैं वहां पे इजिली मिल जाता है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं अगर इन जगहों पर आपको नहीं मिलता है तो। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस लिंक को फॉलो करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, अगर आप किसी बेस्ट बॉडी लोशन की तलाश में हैं तो आप इस रूपमंत्रा के एलोवेरा बॉडी लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको स्किन में प्रॉपर रिजल्ट तो देगा ही, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो से रिलेटेड और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।